हे hey गाइस क्या ऐसा पॉसिबल है कि मार्केट आपका क्लोज हो फिर भी आप अपना ऑर्डर मार्केट पे प्लेस कर ले क्या ऐसा पॉसिबल है क्या ऐसा देखने को मिलता है तो हाँ ऐसा पॉसिबल है ऐसा ऑर्डर आप मार्केट पे लगा सकते हैं इस टाइप के ऑर्डर को हम ए एम ओ ऑर्डर कहते हैं आफ्टर मार्केट ऑर्डर लेट सपोज आज मैं वीडियो बना रहा हूं आज हमारा क्या डेट है आज हमारा डेट है चौदह अप्रैल है ना और संडे का दिन है संडे को आज हमारा मार्केट क्लोज है फिर भी आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप मार्केट पे अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं कल के लिए ठीक है कल मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट हमारा गैप अप ओपन होना चाहती है या हमको ऐसा लगता है कि हमारा रेंज कुछ ब्रेकआउट करने वाली है तो हम क्या करेंगे अपना व्यू बनाएंगे बाइंग का ओके okay, हम कॉल बाय करेंगे देखिए अगर आप इंट्राडे पर ट्रेडिंग करेंगे तो आप नॉर्मल बाय का भी बनाएंगे और अगर आपको जो है ऑप्शंस पर ट्रेडिंग करना है तो कॉल बाय करना है क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाना चाहती है ठीक है तो वो चीज कैसे लगाते हैं एम स्टॉक ऐप पे ये आज मैं आप लोगों को सिखाता हूं तो चलिए हम पहले तो बिना किसी देरी के एम स्टॉक ऐप ओपन कर लेते हैं तो गाइस हमारा एम स्टॉक ऐप ओपन हो चुका है अब हमको क्या करना है अब हमको सिंपल इंडेक्स सर्च करना है ठीक है तो लेट सपोज हम क्या करना चाहते हैं निफ्टी फिफ्टी पे ए एम ओ ऑर्डर लगाना चाहते हैं तो ये हम क्या करेंगे निफ्टी फिफ्टी के ऑप्शंस को क्लिक कर देंगे ये हम निफ्टी फिफ्टी के ऑप्शंस को क्लिक कर दिए उसके बाद यहाँ पे आप देख पा दे रहे हैं आपको ऑप्शन चैन का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है बस इसी को आपको क्या करना है सिंपल क्लिक कर देना है ये क्लिक करेंगे उसके बाद आपके पास मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस मल्टीपल प्रीमियम आपको मिल जाएंगे तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया मुझे ऐसा लग रहा है कल मार्केट हमारा गैप अप ओपन होना चाहता है या मुझे ऐसा लग रहा है कि वो हमारा हाई को ब्रेकआउट करना चाहता है तो मैं क्या करूँगा मैं कॉल बाय करूँगा तो मैं कॉल साइट के प्रीमियम पे आ जाता हूँ ठीक है तो ये आप देख पा रहे हैं आपके पास मल्टीपल प्रीमियम है कॉल साइट के लिए तो आप एक प्रीमियम सेलेक्ट कर लीजिए जिस पे आपको ट्रेडिंग करना है ठीक है तो हम जो है तेईस हजार पचास वाले स्ट्राइक प्राइस के छह रुपया तीस पैसे वाले प्रीमियम पे ट्रेड करना चाहते हैं ठीक है तो हम क्या करेंगे सिंपल इसी को क्लिक कर देंगे ये हमने क्लिक कर दिया क्लिक करने के बाद आपके पास बाय और सेल का ऑप्शन दिखाई देगा तो चूंकि हम एक ऑप्शन बायर है तो हम क्या करेंगे बाय के ऑप्शन को क्लिक करेंगे बाय के ऑप्शन को क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देता है ठीक है तो प्रोडक्ट टाइप पे हम क्या कर देंगे डे डे को को ट्रेडिंग क्लिक कर देंगे यह मैंने डे ट्रेडिंग को क्लिक कर दिया डे ट्रेडिंग को क्लिक करने के बाद गाइस आपको क्या करना है सिंपल ये सो मोर के ऑप्शन को क्लिक करना है ये मैंने इसको सो मोर के ऑप्शन को क्लिक कर दिया उसके बाद आपको यहाँ पे एडवांस पे एक ऑप्शन दिखाई देगा आफ्टर मार्केट ऑर्डर बस आपको इसी को क्लिक कर देना है ये आफ्टर मार्केट ऑर्डर को आपको क्लिक कर देना है उसके बाद आप यहाँ अपना प्राइस ऐड कर सकते हैं जिस प्राइस पे आपको एंट्री करना है तो लेट सपोज़ हम चार रुपये के प्राइस पे एंट्री करना चाहते हैं तो ये हमने यहाँ चार ऐड कर दिया अब आपको इधर कुछ भी नहीं करना है सिंपल क्या करना है बाय के ऑप्शन को क्लिक कर देना है ठीक है ये देखिए आपका ऑर्डर जो है प्लेस हो गया सक्सेसफुली अब ये आपको कहाँ पर दिखाई देगा ये आपको दिखाई देगा बैक करते हैं बैक करते हैं अब ये आपको दिखाई देगा आपके ऑर्डर पे गाइस यहां पे आपको आपका ऑर्डर दिखाई देगा ये आप देख पा रहे पेंडिंग पे आपका ऑर्डर जो है मार्केट पे प्लेस हो चुका है चार रुपये के रेंज पे आप एंट्री कर रहे हैं और अभी इसका करेंट प्राइस क्या चल रहा है छः रुपया तीस पैसे का ठीक है तो अगर आपका प्राइस जो है नीचे गिर करके चार रुपये के रेंज पे आएगा तो आपका ऑर्डर जो है मार्केट पे प्लेस हो जाएगा कल ही ठीक है तो ये बेसिकली इस टाइप से आप लोग आफ्टर मार्केट ऑर्डर का यूज़ कर सकते हैं काफ़ी आसान है और इसका यूज़ आप लोगों को करना ही चाहिए और मैं आप लोगों को बता दूं आफ्टर मार्केट ऑर्डर का यूज़ उस टाइप के सिचुएशन पे करना होता है जब आपको कुछ पता चल गया कि न्यूज़ आया है है ना मार्केट पर कुछ अच्छा न्यूज़ आया है कुछ खराब न्यूज़ आया है तो मार्केट हमारा क्रैश करने वाला है या ग्रो करने वाला है तो इस टाइप के सिचुएसन पर आप लोग आफ्टर मार्केट ऑर्डर का यूज़ करके आप लोग अच्छा पैसा बना सकते हैं ठीक है तो ये एक सिंपल सा लॉजिक है आफ्टर मार्केट ऑर्डर का है ना और ऐसा ही आप लोगों को यूज़ करना है और अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि अब मुझे इसको कैंसिल करना है मुझे नहीं लगाना है आफ्टर मार्केट ऑर्डर तो जो आपका ये लगा हुआ है उसी को आपको सिंपल क्लिक करना है क्लिक करने के बाद ये देखिए कैंसिल का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा इस कैंसिल के ऑप्शन को आपको क्लिक कर देना है ठीक है ये मैंने कैंसिल कर दिया यस कर दिया अब देखिएगा ये ऑर्डर देखिए अपने आप कैंसिल हो गया ठीक है तो इस टाइप से आप लोग ए एम ओ आफ्टर मार्केट ऑर्डर का यूज़ कर सकते हैं काफ़ी आसान ओके और मैं ऐसे टाइप के वीडियोज़ बनाते रहता गाइस तो अगर आप लोग इस टाइप के वीडियोस देखते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ओके चलिए बाय बाय टेक केयर